आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज अब हम एप्लीकेशन के कुछ पार्ट्स बताने जा रहे हैं और जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको कंप्रेसर के बारे में भी बताएंगे और समय मिलेगा तो हम आगे आपको कंडेंसर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले कंप्रेसर के बारे में बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। आप लोगों को ये पता है कि जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं उसमें से मोस्टली 70-80% जो सिस्टम होते हैं वो वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, मतलब वो वेपर कंप्रेशन पर बेस्ड होते हैं। और जो वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट कहलाता है वो कंप्रेसर कहलाता है। मतलब कंप्रेसर एक तरीके से हार्ट, जैसे इंसान का हार्ट होता है आप लोगों को पता है कि ये करता क्या है कि ये ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में और फिर वापस ब्लड लौट करके फिर हार्ट में आता है और प्योर होकर के फिर वहाँ से जाता है पूरी बॉडी में। उसी तरीके से कंप्रेसर भी जो रेफ्रिजरेंट होता है वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो कंप्रेसर भी यही काम करता है कि रेफ्रिजरेंट को पूरे सिस्टम में जो है ये फ्लो कराता है, सर्कुलेट कराता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और सबसे कॉस्टली आइटम भी कंप्रेसर ही माना जाता है। तो बेसिक फंक्शन है वो तो हम बताएंगे ही। अब यहाँ पर देखिए, जो कंप्रेसर के बारे में हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि एक तरीके से हार्ट ऑफ वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट होता है ये। इसकी जो फंक्शंस होते हैं, इट रिमूव्स लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वेपर फ्रॉम द कूलिंग कॉयल थ्रू द लाइन कॉल्ड सक्शन लाइन। सब सही बात है सर। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है कि कंप्रेस करने पर वेपर का टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो और उससे जो है जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है रेफ्रिजरेंट का, इसलिए कंप्रेसर यूज़ किया जाता है। और साथ में क्या होता है कि ये जो है वेपर को हाई टेम्परेचर पर डिस्चार्ज करता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कंडेंसर से थ्रू द लाइन कॉल्ड डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके ये मेन फंक्शनिंग है। तो फंक्शन तो आपको पता ही है सब, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी बहुत बातें, आगे बढ़ाएंगे उसी को। टाइप्स में भी थोड़ा सा बता देते हैं कितने तरीके का होता है कंप्रेसर। जो कंप्रेसर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में आपने बहुत डिटेल में पहले भी सीखा है और जानते भी होंगे। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं बहुत सूटेबल, बहुत ही आसान तरीके से ये काम करते हैं और ज़्यादातर जगह पर यही यूज़ होते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर R12 के लिए, R22 के लिए, R502 के लिए, R717 के लिए, इन सब के लिए। R77 किसका है पता है? ये अमोनिया का है। हम नॉमेनक्लेचर अभी आगे बताएंगे आपको, आप परेशान ना होइएगा। नॉमेनक्लेचर हमने बात के लिए रखा है, थोड़ा सा आसान टॉपिक था, हमने कहा पहले थोड़ा सा जो है तो टेक्निकल चीज़ें हैं, मोस्ट टेक्निकल वो थोड़ा पहले डिस्कस कर ले, अब आसान आसान चीज़ें आ रही हैं वो बता देंगे हम आपको, उसमें नॉमेनक्लेचर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम का डिस्प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वहाँ पर क्या होता है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं। और जहाँ पर हाई कंडेंसिंग प्रेशर यूज़ हो चाहिए होता है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरे तरीके का जो आता है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज़ आता है। सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर जो होता, कंप्रेसर जो होता है वो ज़्यादातर R12 के लिए, R11 के लिए, R113 के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। और हाई कंडेंसिंग प्रेशर तो होना ही चाहिए वहाँ पर, तो जब लो होगा तो इस रेसिप्रोकेटिंग यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब से होगा हैवी रेफ्रिजरेशन सिस्टम जहाँ पर होगा वहाँ सेंट्रीफ्यूगल ही यूज़ होगा। और फिर उसके बाद आता है रोटरी कंप्रेसर्स, ये जो होते हैं R21, R114, इन सब के लिए यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर मॉडरेट या लो कंडेंसिंग प्रेशर यूज़ होता है, उन सब जगहों पर इनको यूज़ करते हैं। और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में भी आपके रोटरी कंप्रेसर ही यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, जितने भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज़ होंगे सब में रोटरी कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर उसके बाद आता है। तो इस तरीके से ये कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर के बारे में अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि किस तरीके से कितने टाइप के कंप्रेसर होते हैं और कहाँ कहाँ उनको यूज़ किस किस रेफ्रिजरेंट के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। इसी के साथ सोच रहे कुछ फिगर्स भी आपको दिखाते चलें और इसको आप बना लीजिएगा।
जैसे ये जो है ये एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दिखाया गया है, ये रेसिप्रोकेट करता है, तो ये रेफ्रिजरेंट जब ये नीचे जाता है रेफ्रिजरेंट यहाँ से अंदर जाता है और ये कंप्रेस होकर के ये आउट हो जाता है, बाहर हो चला जाता है। तो ये ओपन टाइप वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहलाता है। ये रोटेट करता है, आप सबको पता है रोटेशन के कारण ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा भी होगा, ये इंजन्स में भी आपने देखा होगा, इसी यही तरीका होता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में। ये जो अगला वाला आप देख रहे हैं ये हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर कहलाता है। इसमें मोटर और कंप्रेसर दोनों जो है एक स्टील सील के अंदर जो है ये स्टील फ्रेम के अंदर या स्टील का जो है एक बॉक्स होता है उसके अंदर ये बहुत टाइटली सील्ड होता है, तो इसको आसानी से अलग कर पाना संभव नहीं होता। तो इसकी जो सर्विसिंग होती है वो टफ होती है, अंदर से खोल करके ओपन करके सर्विसिंग मोटर की नहीं की जा सकती। अगर मोटर इसका जल गया तो फिर ये जो है जल्दी से इस पर ये फिर ये रिपेयर नहीं होता। ये जो है अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो पावर कंजम्पशन होती है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन देखा जाए तो ओपन टाइप जो रेफ्रिजरेशन जो कंप्रेसर हमने दिखाया था उससे कम होती है, तो पावर कम इनपुट जो है वो कम हो जाएगा। तो इससे जो है ये एक अच्छा कंप्रेसर ऑप्शन माना जाता है। ये तो इसमें जो है मेरिट्स इसकी भी बहुत सारी अच्छी मेरिट्स भी हैं। ये जो है था ये इसमें लीकेज जल्दी से रेफ्रिजरेंट का नहीं होता क्योंकि हर तरीके तो, और ये कॉम्पैक्ट भी होता है और कॉम्पैक्ट होगा तो स्पेस भी कम ये घेरेगा और आवाज़ भी नहीं होती, लेस नॉइजी होता है। तो इसलिए जो है ये जो है बस एक ड्रॉबैक यही होती है अगर मोटर इसका जो है डैमेज हो जाता है ये जल जाता है तो उसको फिर जल्दी से हम जो है इसको रिपेयर नहीं कर सकते। मेंटेनेंस बहुत ही कठिन होता है क्योंकि जो बेल्ट जॉइंट होता है इसमें उसको तोड़ना कठिन होता है रिपेयर करने के लिए। और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो है होता है ये ज़्यादा अगर इसकी जो वायरिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, अगर मॉइस्चर अगर अंदर चला गया तो वायरिंग जो होती है इसकी ख़राब हो जाती है। वैसे जो मैकेनिज्म है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की आपको अभी जो पिछला वाला हमने फिगर दिखाई थी ओपन टाइप वर्टिकल जो पोज में था उससे आपको समझ में आ ही गई होगी। वही चीज़ है, देखिए ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, अपने इंजन के केस में देखा भी होगा ऐसा। ये पिस्टन लगा हुआ है, ये रेसिप्रोकेट करता है यहाँ से, तो यहाँ से जो है इनलेट वाल्व ये ओपन हो गया यहाँ पर आया, उसके बाद फिर इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, ये कंप्रेस होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर जो है ये डिस्चार्ज वाल्व जो होता है या डिलीवरी वाल्व जो होता है वो क्लोज ये ओपन हो जाता है। हाई प्रेशर पर ये ओपन हो जाएगा फिर उसके बाद फिर जो है ये क्लोज़ हो जाता है। देखिए ये हाई प्रेशर पर क्या हो गया, ये कंप्रेस होने के बाद ओपन हो गया और ये क्लोज था ये, तो ये इस तरीके से ये वर्क करता है। ये बहुत सिंपल सा स्कीमेटिक है, ये आप याद भी रखिएगा तो ये काफ़ी कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। इस फिगर को आप देख रहे हैं तो अब हम इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर एक सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के लिए वर्कडन निकालना चाहते हैं जहाँ पर हम उसके क्लियरेंस वॉल्यूम को निगलेक्ट मान के चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर स्टेज दिखाई गई है, यहाँ स्टेज वन से टू जो है ये देखिए, जो स्टेज वन से टू है ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस माना गया है। अगर ये एडियाबेटिक चलेगा तो स्टेज टू डैश ये वन से टू डबल डैश आएगा, अगर ये आइसोथर्मल चलता तो ये इस तरीके से आता। वैसे आइसोथर्मल पॉसिबल नहीं है, एडियाबेटिक एक स्पेशल केस है पॉलीट्रॉपिक का, तो हम पॉलीट्रॉपिक लेकर के चलते हैं, जनरल केस हो जाएगा ये। तो वन से टू फिर टू से थ्री, यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम है ही नहीं तो उस केस में थ्री से फोर, और इस तरीके से ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो वर्कडन इसका निकालते हैं, वर्कडन निकालने के लिए ही ये हमने किया है इसको। जनरली जो रेसिप्रोकेटिंग की थर्मल इफिशियंसी डिफाइन की जाती है वो आइसोथर्मल वर्कडन अपॉन एक्चुअल वर्कडन, इस तरीके से हम ये है ये थर्मल आइसोथर्मल, यहाँ पर आइसोथर्मल इफिशियंसी जो है हम इसकी डिफाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो हम अब यहाँ पर वर्क निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क आपने फिगर तो देखी ही है अभी, तो उसी के माध्यम से यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो टोटल शाफ्ट वर्क डन पर साइकिल, एक साइकिल में शाफ्ट वर्क डन जो टोटल एरिया होता है पीबी डायग्राम में, एरिया अंडर कर्व आपको पता है वर्क डन होता है, तो एरिया अंडर जो होता है 4:1, फिर एरिया अंडर 1:2 और एरिया अंडर 2:3, आप डायग्राम में देखिए आपको वहाँ पर जो अभी हम दिखा चुके हैं पीछे, तो सारा डायग्राम ये जो है पहला वाला जो आ जाएगा ये इसमें ये P1V1 यहाँ पर माइनस ये 1:2 जो आ रहा है ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है इसका, ये हो जाएगा ये
P2V2 - P1V1 अपान N-1 ऑल्ट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। ये वाला एरिया ये माइनस में इसलिए क्या कि ये कंप्रेस हो रहा है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर भी कंप्रेस हो रहा है और ये एरिया जो है पॉजिटिव है। तो एरिया अंडर 4:1 माइनस एरिया अंडर 1:2 माइनस एरिया अंडर 2:3, इसलिए माइनस ये दोनों किया गया क्योंकि दोनों में कंप्रेशन आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए है। ये इसको सॉल्व किया हमने यहाँ पर लेकर के, देखो P1V1 यहाँ पर कर लिया, P1V1 माइनस P2V2 माइनस P2V2 माइनस P1V1 ये चीज़ कर ली, यहाँ पर आ गया देखो ये। और हम अगर इधर ये N-1 की जगह 1-N कर लेंगे, ये या N-1 रहने दो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ पर आप ऐसा कर लो कि P1V1 माइनस P2V2 कर लो तो प्लस हो जाएगा ये। और उस केस में जब P1V1 माइनस P2V2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 + 1 / N-1। तो जो हमारे पास वर्कडन की इक्वेशन आएगी वो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो वर्कडन की जो ये इक्वेशन आई इसको थोड़ा सा हम और जनरलाइज करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को हम 1 मान रहे हैं, इक्वेशन 2 जो है यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, N/N-1 P1V1 - P2V2 वैसे रखा, P1V1 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। तो जब P1V1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - P2V2 / P1V1। और चूँकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए P1V1 की पावर n = P2V2 की पावर n होता है, तो यहाँ से V2/V1 हमने लिख लिया P1/P2 की पावर 1/n। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, इसको इक्वेशन 2 माना है हमने। तो इक्वेशन 2 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो यहाँ पर होगा V2/V1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया V2/V1, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहने दी। और इसको सॉल्व करते गए, सॉल्व करने पर देखेंगे ये वैल्यू आ जाती है N/N-1 P1V1 1 - P2/P1 और N-1/N। तो इस प्रकार से फाइनली जो वर्कडन का फॉर्मूला आ जाता है आप देख रहे हैं, ये आ जाता है P1V1 को हम MRT1 भी लिख सकते हैं, और उसके साथ फिर जो है ये फार्मूला हमारे पास वर्कडन का आ गया। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P2/P1 को जो है हम T2/T1 से भी हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपको पता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये वैल्यू होती है, यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर। तो पावर जो होता है पावर टू ड्राइव सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए जो पावर का फार्मूला होता है W न्यूटन मीटर में होता है ये। और ये N जो होता है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, NWS वर्किंग स्ट्रोक के लिए लिखा हुआ है ये, / 60 ये वाट में आएगा। तो अगर मान लीजिए ये जो है सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर है तो N की वैल्यू जो होती है वो वहाँ पर सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर है तो N की वैल्यू जो होगी वो N ली जाएगी जो भी आएगा, और डबल एक्टिंग के लिए यही जो वैल्यू होगी वो 2 times कर दी जाएगी। तो डबल एक्टिंग की बात आएगी तो यही वैल्यू जो है 2 times में आ जाएगी। तो ये तो ये आ गया आपके पास जो विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। जो अगला डेरिवेशन किया गया है वो क्लियरेंस वॉल्यूम को लेकर के किया गया है कि तो क्लियरेंस वॉल्यूम में अब यहाँ पर देखो क्लियरेंस वॉल्यूम लेकर के चला गया। अब यहाँ से स्टेज 1 - 2 फिर 2 - 3, वहाँ जब क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं था आप देख रहे थे 3 stage यहाँ पर आ गई थी 3 - 4, 4 - 1। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर आया। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वेपरेटर में गया, फिर कंप्रेसर में गया, कंप्रेस हुआ, कंप्रेसर में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस माना गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो गया, इस प्रेशर पर डिस्चार्ज वाल्व ओपन रहा, फिर उसके बाद फिर जो है ये डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होकर के सक्शन वाल्व जो है जो जितना था वॉल्यूम वो जितना बचा हुआ वॉल्यूम था क्लियरेंस में उतना क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इस वॉल्यूम तक आया, वो वॉल्यूम बढ़ा, फिर सक्शन वाल्व ओपन हो गया, फ्रेश चार्ज इसके अंदर एंटर किया यहाँ पर, फिर जो है दोनों को जो है जो बचा हुआ था और जो फ्रेश चार्ज एंटर किया उन दोनों का जो है वॉल्यूम एक्सपेंड करके फिर V1 तक पहुँचाया गया। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये क्लियरेंस वॉल्यूम V3 VC स्वेप वॉल्यूम दिखा रहा है, ये स्वेप वॉल्यूम है ये, और ये सारे ये स्वेप वॉल्यूम टोटल स्वेप वॉल्यूम यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव स्वेप जो आया वो ये आ गया, और टोटल वॉल्यूम जो आ रहा है वो तो है ही है सिलेंडर का, तो आपको पता ही होगा इस पर। तो आइए इसका भी देख लेते हैं डेरिवेशन कैसे होगा। इसमें प्रोसेस कहीं से भी कुछ अलग नहीं है, करीब करीब वैसा ही है। देखिए नेटवर्क डन पर साइकिल जो आ रहा है वो नेट एरिया पूरा 1, 2, 3, 4, 1 और एरिया जो हो जाएगा ये 5, 1, 2, 6, 5 माइनस एरिया 5, 4, 3, 6, 5, ये दोनों इस तरीके से आ जाएगा। तो पॉलीट्रॉपिक जो है हम यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स हम लेकर के चलेंगे, तो ये जो आएगा यहाँ पर N/N-1 P1V1 और P2/P1 ये तो आपने भी देखा ही है इसके बारे में, माइनस ये इस तरीके से यहाँ पर यहाँ ये लेकर के चल रहे हैं। चूँकि दोनों हम यहाँ पर जो है कंप्रेशन और क्लियरेंस एक्सपेंशन दोनों को जो है पॉलीट्रॉपिक लेकर के चल रहे हैं, सेम पॉलीट्रॉपिक लेकर के चल रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर लेकर के चले।
और इस तरीके से जो इक्वेशन यहाँ पर अगर चूँकि P4 बराबर P1 और P3 बराबर P2, तो ये इसी अब इक्वेशन के लिए बोला, इसी इक्वेशन को 10.7 लिखा गया है जहाँ से जिस सोर्स से मैंने लिया। तो ये चीज़ हो जाएगी W इज इक्वल टू, ये चीज़ सॉल्व करने पे यहाँ पर आया और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू ये आ जाती है। इसी में एक टर्म यूज़ होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। ये जनरली क्या होता है कि द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेंट डिलीवर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर। तो ये जो होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जनरली क्या होता है कि इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम जो आया वो क्या आ गया, यहाँ पर आप देखेंगे V1 - V4, और स्वेप्ट वॉल्यूम जो आ गया वो V1 - V3 आ गया। तो इस केस में जो आया गया वो क्लियरेंस वॉल्यूम जो आ रहा है, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, जो आप देख रहे हैं V3 अपॉन ये V1 माइनस। तो इसको हमने एक टर्म सी से डिनोट कर दिया, ये पहले भी हमने करके दिखाया है आपको, आपको वही चीज़ यहाँ पर दोबारा दी गई है। तो ये फिर से हमने वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी में इसको रख यहाँ पर किया, और चूँकि हम सी के फॉर्म में इसको रखना चाहते हैं तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और किया, V1 - V3 + V3 - V4 और V1 - V3 कर दिया इसको। तो उसके बाद हमने क्या किया कि इसके साथ स्प्लिट कर लिया हमने अलग अलग, V3 के साथ और इसके साथ, ये सारी चीज़ें स्प्लिट हो गई। और स्प्लिट होने यहाँ जो फाइनली फार्मूला मिला वो 1 + C - C V4/V3। और इसको हम जो है V और P के टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि V3 की पावर n इज इक्वल टू P4 V4 की पावर n होता है, तो हम उससे लिख लेंगे V4/V3 इज इक्वल टू हो जाएगा P3/P4 की पावर 1/n। तो वही V4/V3 की जगह हमने P3/P4 की पावर 1/n लिख लिया यहाँ, ये चीज़ आ गई। और अब उसके साथ हमने यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी लिखी, ये चीज़ यहाँ उसका फार्मूला लिख लिया यहाँ पर, और उसके बाद ये फार्मूला देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ इसके टर्म में आ गया, चाहे P के टर्म में लिखिए चाहे V के टर्म में लिखिए। अब इसी से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज़ लोअर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, बाय हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड के थ्रू, लीकेज पास्ट द पिस्टन, टू लार्ज द क्लियरेंस वॉल्यूम, ऑब्स्ट्रक्शन एट इनलेट वाल्व, ओवर हीटिंग ऑफ एयर बाय कॉन्टैक्ट और हॉट सिलेंडर वाल्व, और इनर्शिया इफेक्ट ऑफ एयर इन सक्शन पाइप, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रोल प्ले करती हैं। आइए बातचीत हम लोगों ने कंप्रेसर पर काफ़ी कर ली, अब कुछ कंडेंसर के बारे में भी बात कर लें। देखो जो कंडेंसर होता है जनरली आपको पता ही है कि एक तरीके का हीट एक्सचेंजर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वेपर होती है वो डी सुपर हीटिंग उसकी होती है, और वो जो है वेपर उस केस में डी सुपर हीटिंग जब होगी तो उस केस में क्या होगा, उसका फेज चेंज हो जाता है, वेपर वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। कभी कभी जो है कि ज़्यादा अगर अच्छा कंडेंसर है तो उस केस में सब कूलिंग भी वहाँ पर हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आई। तो ज़्यादातर जो कंडेंसर होना चाहिए वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, लाइट, जो हम लोग अगर डिज़ाइन करें तो इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आसानी से जो है वो साफ़ किया जा सके, ऐसा होना चाहिए कि कभी उसमें गंदगी जम जाए तो, या फिर कभी उसकी जो ट्यूब्स वगैरह हैं अगर ख़राब हो जाए तो उनको हम आसानी से रिप्लेस कर सकें, ऐसा भी हो सकता है, या कभी जल्दी से ओपन हो जाए या क्लोज़ हो जाए, जल्दी से उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए ताकि जो हमारा काम है उससे रिलेटेड वो बहुत देर तक रुके ना हेल्ड ना करें। तो ये चीज़ है। तो ये बाकी हो गई, बाकी और भी चीज़ें हैं, प्रेशर ड्रॉप भी मिनिमम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। जनरली जो कंडेंसर होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एक एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, दूसरा वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है, और तीसरा जो होता है वो इवेपोरेटिव कंडेंसर होता है। तो एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड और इवेपोरेटिव, चूँकि आपको पता ही है एयर कूल्ड जाहिर सी बात है कि जो एयर के थ्रू कूलिंग इसमें होगी, तो यह ज़्यादातर अभी हम बताएंगे भी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इनका जो सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट, कौन सा टाइप रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से सिलेक्शन करते हैं, इनमें तीनों में किस तरीके से कौन सा सेलेक्ट करना है, कब कहाँ यूज़ होना है, किस तरीके का, या जो टाइप ऑफ जो कूलिंग मीडियम होता है वो उसके हिसाब से भी इनको सेलेक्ट किया जाता है। ये अब आप यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं ये हमने एयर कूल्ड कंडेंसर की दिखाई है। तो इसमें क्या है कि जो एयर होती है जनरली या तो नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू फ्लो होती है, या तो इसके साथ एक फैन लगा दिया जाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन के थ्रू एयर का सर्कुलेशन होता है,
जब एयर इससे पास होती है तो हीट को रिमूव करती है। ये आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर के पीछे अपने देखा होगा, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके पीछे लगा हुआ होता है। इसी तरीके से दूसरे तरीके का कंडेंसर है, प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। इसकी जो इसमें जिसके एडवांटेजेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि आसानी से इनको हम साफ़ कर सकते हैं, और जो इनमें जो है किफियंस और ट्यूब में जो गंदगी है उसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, और ये कॉम्पैक्ट होते हैं और आसानी से इसको माउंट भी किया जा सकता है, जहाँ चाहते हैं वहाँ पर लगा भी सकते हैं इसको। सारी सरफेसेस इसकी विजिबल होती हैं, आसानी से आप आँखों से देख के समझ सकते हैं कि गंदा हो गया है या साफ़ करना है, कब साफ़ करना है, कैसे है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ होती है। तो और इसमें जो फिन्स लगे होते हैं, ज़्यादातर सफाई उन्हीं फिन्स की ही जाती है। अब इस फिगर में जो आप देख रहे हैं ये वाटर कूल्ड कंडेंसर है। देखिए वाटर कूल्ड कंडेंसर भी जो है तीन तरीके का जनरली होता है। वो होता है शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, शेल एंड कॉयल टाइप कंडेंसर और डबल ट्यूब का टाइप कंडेंसर। तो जो ये वाला आप देख रहे हैं वो शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। तो देखिए इसमें अलग अलग ट्यूब्स लगी हुई हैं और शेल देखिए आप बना हुआ है, शेल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, शेल ये रीजन शेल की है ये, और इसमें अलग अलग ट्यूब्स है जिसमें ये वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर इधर से जा रहा है और इधर जो है ये यहाँ पर इधर से आउट बाहर निकल रहा है, और जो ये शेल है शेल में रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। देखिए शेल आउटर रीजन में दिखाई गई है, ये पेरिफेरल में यहाँ पर ये इस जगह पर ये रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, तो रेफ्रिजरेंट यहाँ से आया, रेफ्रिजरेंट गैस आई और ये लिक्विड बन करके ये कंडेंस होकर के ये बाहर गया। ऐसे ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये शेल एंड ट्यूब टाइप, यहाँ पर ये शेल एंड कॉयल, सॉरी शेल एंड कॉयल टाइप। तो देखिए इसमें शेल और कॉयल दोनों बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वेपर या इनलेट, ये वेपर बाहर जा रही है इस तरीके से, और कूलिंग वाटर जो है यहाँ पर कूलिंग वाटर यहाँ से बाहर जा रहा है और इधर से कूलिंग वाटर अंदर आ रहा है। तो कॉयल में कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर रहा है और शेल में जो है ये वेपर जा रही है, और ये इसके साथ साथ यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो काफ़ी मिल जाता है वेपर को। जो ये अगली फिगर आप देख रहे हैं ये डबल ट्यूब टाइप कंडेंसर है। इसमें दो तरीके की ट्यूब लगी हुई हैं, एक अंदर की ट्यूब में देखिए वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर देखिए ये अंदर वाली ट्यूब में फ्लो कर रहा है, और जो बाहर वाली है जो इसके साथ जो कांटेक्ट में है टोटल ट्यूब के साथ कांटेक्ट में है वो देखिए यहाँ पर ये वेपर इन जा रही है और इधर से जो है ये कंडेंस्ड रेफ्रिजरेंट जो है आउट हो रहा है यहाँ पर। ये इस तरीके से ये आपने देखा कि डबल ट्यूब कंडेंसर है। अब ये वाली जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर इवेपोरेटिव कंडेंसर की है, और जो इवेपोरेटिव कंडेंसर्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर कूलिंग टावर्स जितने लगे होते हैं उन सब में इवेपोरेटिव कंडेंसर को ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें एयर और वाटर दोनों का यूज़ होता है कूलिंग पर्पज़ में। तो ये वाटर टैंक यहाँ पर आप देख रहे हैं, एयर जा रही है इधर, ये कंडेंसर कॉयल है ये यहाँ पर, तो जो वेपर है ये जो है इधर से अंदर आ रहा है और ये यहाँ लिक्विड, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर आ रही है ये, और इधर से ठंडी होकर के बाहर जा रही है। या तो यहाँ वाटर जो हो रहा है वो स्प्रे किया जा रहा है तो वाटर के थ्रू भी कूलिंग हो रही है, और एयर जो जा रही है उसके थ्रू भी कूलिंग हो रही है यहाँ पर। तो दोनों चीज़ें इस केस में यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये, और कूलिंग टावर में इसको ज़्यादातर आप यूज़ होते हुए देखेंगे। अब यहाँ पर इस चार्ट में थोड़ा सा कंपैरिजन हम बता रहे हैं वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड कंडेंसर के लिए। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर जो होता है वो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो उसका होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसका जो एयर कूल्ड का होता है वो सिंपल होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट वाटर कूल्ड की देख रहे हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो वो उसकी हॉक कॉस्ट हाई होगी, एयर कूल्ड की सबसे कम होती है। हैंडलिंग जो होती है वो इसकी डिफ़िकल्ट होती है, इसमें कोई हैंडलिंग की प्रॉब्लम नहीं, हल्का होता है ये, आसानी से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो होता है पाइप्स आर नीडेड टू कैरी वाटर, सही बात है पाइप तो होंगी होंगी इसमें, इसमें कोई पाइप की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल फिन्स लगे हुए होते हैं बस। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ यूज्ड वाटर अनलेस सर्कुलेशन रिसर्कुलेशन सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर डिस्पोजिंग जो है कोई डिस्पोजिंग एयर के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो एयर तो अपने आप ही डिस्पोज हो जाएगी, चाहे आप फोर्स्ड करिए चाहे नेचुरल करिए, अपने आप कोई समस्या नहीं। इसमें कोरोजन होता है, इसमें कोरोजन नहीं होगा, कोरोजन चूंकि वहाँ पर जब लिक्विड है तो वहाँ कोरोजन तो होना ही होना है, इसमें कोरोजन होगा नहीं,
कोरोजन होने की वजह से कई पार्ट बार बार रिप्लेस करने पड़ते हैं, इसीलिए भी उसकी भी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाती है। जो लिखा हुआ है जो फॉलिंग इफेक्ट है इसमें ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है कोरोजन हो रहा तो फॉलिंग भी होगी इसमें, इसमें लेस होता है। इसमें जो है हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी इसकी हाई होती है और इसकी लो होती है। इसमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें पंप की ज़रूरत पड़ती है। फ़ैन की ज़रूरत नहीं होगी तो उसकी जगह क्या होता है, पंप की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी फोर्स के केस में। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लो होती है, इसमें हाई होती है। तो और एप्लीकेशन जो होता है जहाँ पर लार्ज कैपेसिटी प्लांट यूज़ होते हैं वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं, वाटर कूल्ड कंडेंसर को और एयर कूल्ड कंडेंसर जो होते हैं वो, जो यहाँ पर जो है लो कैपेसिटी प्लांट्स होते हैं वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक टर्म और हमको डिफाइन करना था जिसको बोलते हैं हीट रिजेक्शन फैक्टर। तो हीट रिजेक्शन फैक्टर जो होता है जनरली ये एक टर्म होता है, इसमें यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो अब हम यहाँ पर हीट रिजेक्शन फैक्टर के बारे में पहले हम बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हीट होती है कंडेंसर कहाँ कहाँ से रिजेक्ट करता है। एक तो जो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट हीट वहाँ पर जो है एब्जॉर्ब करता है वो होता है, और साथ में जो वर्कडन होता है कंप्रेसर का उसके थ्रू जो हीट डेवलप होती है वो होता है। तो जो कंडेंसर पर लोड आया वो क्यू सी हम लिख रहे हैं, तो क्यू सी जो लोड आया वो क्या आ गया, आर एन प्लस डब्लू। भाई देखो कंडेंसर जो हीट रिमूव कर रहा है वो कहाँ कहाँ की हीट होगी, दो जगह की हीट होगी। एक तो इवेपोरेटर में जो वहाँ पर उसने रेफ्रिजरेंट ने जो हीट एब्जॉर्ब किया है जब वहाँ पर वो कूलिंग कर रहा था या रेफ्रिजरेशन कर रहा था तो वो वाली हीट होगी, और साथ में जो कंप्रेसर ने वर्क किया टेम्परेचर उसका बढ़ा तो वो वाली हीट होगी। तो दो तरीके की हीट थी, तो ये दोनों लोड जो होगा वो क्या होगा, कंडेंसर का लोड गिना जाएगा। तो आर एन हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेटर इन द इवेपोरेटर, और ये क्या हो गया, ये कंप्रेसर वर्क। तो टोटल लोड जो आ गया यहाँ पर जो कंडेंसर के लिए वही आ गया, और उसका ये टोटल लोड कंडेंसर का और अपान जो टोटल लोड कहाँ का, ये इवेपोरेटर का, तो इनका जो रेशियो होगा ये मतलब टोटल लोड ऑफ द कंडेंसर टू द लोड ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हीट रिजेक्शन फैक्टर। तो हीट रिजेक्शन फैक्टर जनरली जो होता है वो सी ओ पी पर डिपेंड करेगा। अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे ये हो जाएगा आर एन बाई आर एन प्लस डब्ल्यू बाई आर एन, ये हो जाएगा वन प्लस वन अपान सी, क्योंकि डब्ल्यू बाई आर एन जो होता है वो सी ओ पी के बराबर होता है। तो जो हीट रिजेक्शन फैक्टर है उसी को हम जो है यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो होता है ये सी ओ पी पर जनरली डिपेंड करता है, और ये मतलब कंडेंसर और इवेपोरेटर टेम्परेचर दोनों के बारे में हम यहाँ पर इसके बता सकते हैं। अगर हम देखें तो जनरली जो हीट रिजेक्शन फैक्टर होता है वो करीब 1.25 होता है जो एक्चुअल एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें R12 और R22 यूज़ होता है, ठीक है। और जो कंडेंसर टेम्परेचर वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और इवेपोरेटर टेम्परेचर जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इस तरीके से जो हीट रिजेक्शन फैक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आया, और जो ये हीट रिजेक्शन फैक्टर होता है जनरली ये जो ऑपरेटिंग कंडीशन प्लांट की होती है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑपरेटिंग कंडीशन जो भी होगी, मतलब जैसे इवेपोरेटर टेम्परेचर हो गया और कंडेंसिंग मीडियम का टेम्परेचर हो गया, इन सब पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस प्लांट की जो होती है वो जो होती है इसमें, इस केस में तभी आएगी जब हम कंडेंसर ट्यूब्स को और कंडेंसर वाटर सिस्टम को जो है ये अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखेंगे। तो ये देखो जनरली क्या होता है, तभी ऐसा आएगा, लेकिन जनरली होता ये है कि जो लोड होता है वो कंडेंसर पर या जो हीट रिजेक्शन फैक्टर होता है वो जनरली इंक्रीज़ हो जाता है। कंप्रेसर रेशियो बढ़ा दोगे कभी कभी, तो जब कंप्रेसर रेशियो बढ़ता है तो उस केस में लोड जो होता है वो बढ़ जाएगा, और लोड कंडेंसर पे बढ़ जाएगा, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लोड बढ़ जाएगा, क्यूसी बढ़ जाएगा, कंप्रेसर रेशियो बढ़ेगा तो डब्ल्यू बढ़ेगा, तो उस केस में जो होता है वो हीट रिजेक्शन फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये टर्म था, ये डिफाइन करना था
ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि अब हमने आज जो आपको बताया कंप्रेसर्स के बारे में, कंडेंसर्स के बारे में, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और डिटेल में आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा आपको यहाँ वहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसकी फिगर्स भी आप इम्पोर्टेंट हैं, देख लीजिएगा। और एक्सपेरिमेंट्स में भी ये वहाँ पर दिए गए होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक्सपेरिमेंट जब आप करने जाएंगे तो आपको दिखाया भी जाएगा सारी चीज़ें, और वहाँ पर फिर से सारी चीज़ें एक बार बताई जाएंगी। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।